नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलस्ट्रेशन मेन्यू के बारे में। इलस्ट्रेशन बहुत ही कमाल का फंक्शन है अगर आपने ऑफिस 2007 का यूज़ किया है, और उसके बाद अगर आप ऑफिस 2019 के अंदर इलस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस को एक साथ मर्ज कर दिया है और मर्ज करने के बाद एक बेहतरीन फंक्शन तैयार किया है। यानी कि अगर आप ऑफिस 2007 के बाद सीधे 2019 को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा, यानी कि बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांस फीचर आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। तो आज मैं उन्हीं ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिखाई देंगे जो मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर पिक्चर्स का। पिक्चर्स के अंदर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका दिस डिवाइस है, यानी आप इस डिवाइस के अंदर से ही किसी डेटा को यानी किसी पिक्चर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली ओके करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपकी जहां पर भी आपकी इमेजेस हैं वो इमेजेस यहां पे फाइंड कर लीजिए। तो मान लीजिए हमारी जो इमेजेस पड़ी हुई हैं वो डी ड्राइव के अंदर पड़ी हैं, तो डी ड्राइव पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर हमारी वो इमेजेस यहां पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो इसमें से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और या तो फिर यहां पर ओपन पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी यहां पर इमेज इम्पोर्ट हो चुकी है। अब जैसे ही आपने इमेज को इम्पोर्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ आपके सामने कुछ अलग फीचर्स ओपन होके आ चुके हैं, यानी कि एक फॉर्मेट टैब आपके सामने ओपन हो चुका है जो कि पिक्चर टूल का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर आपके सामने दिखाई देगा रिमूव बैकग्राउंड का। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपका है रिमूव बैकग्राउंड। अब ये रिमूव बैकग्राउंड क्या काम करता है, रिमूव बैकग्राउंड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो भी बैकग्राउंड था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ये देखिए रिमूव होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है वो आ रहा है मार्क एरियाज का। यानी अगर आप इसमें क्लिक करके किसी एरिया को मार्क करते हैं कि वो भी आपको इरेज करना है तो उस एरिया को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एरिया भी आपका यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आपका एरिया रिमूव होने के बाद यहाँ पर आपके सामने शो अप हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आपके सामने ओपन हुआ है करेक्शंस का। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप इसमें करेक्शंस कर सकते हैं किस तरीके की इमेज आपका बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे इजिली उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका ये जो ऑब्जेक्ट था वो उसी शेप में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कलर्स का। तो कलर्स में आप डिफरेंट टाइप्स के कलर्स यूज कर सकते हैं, जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है आर्टिस्ट का। तो इसमें आप आर्टिस्ट की तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे किसी आर्टिस्ट ने यानी किसी ने ड्रॉ करके इस पेंटिंग को क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है, एक एक करके आप इसे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कंप्रेस पे क्लिक किया। कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप इसे किस तरीके से कंप्रेस करना चाहते हैं, प्रिंट एरिया के साइज के हिसाब से, इंटरनेट पर आप इसे सेंड करना चाहते हैं वेब पेज पर उसके साइज के हिसाब से, ईमेल पर आप इसे सेंड करना चाहते हैं उसके हिसाब से, या डिफॉल्ट के हिसाब से। तो हम यहाँ पर फिलहाल ले लेते हैं ईमेल के हिसाब से। मैं मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को ईमेल पर भेजना चाहता हूँ, उसके हिसाब से हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर जैसे आप इसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल थी वो बेसिकली ईमेल के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिसेट पिक्चर का। जैसे आप इसे रिसेट करेंगे तो आपकी जो भी पिक्चर में हमने चेंजेस की होगी वो सारी की सारी वापस से रिसेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है रिसेट पिक्चर एंड साइज, यानी अगर हमने इस पिक्चर को छोटा या बड़ा कर रखा है, यानी इसके साइज को हमने इंक्रीज या डिक्रीज कर रखा है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये अपने असली साइज में यानी एक्चुअल साइज में वापस से रिसेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी ऑप्शन हमारे एडजस्टमेंट मेन्यू के ऑप्शन है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका पिक्चर स्टाइल्स का। तो आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिसमें आप इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है वो हो रहा है पिक्चर बॉर्डर का। आप चाहें तो इस पिक्चर के साइड में बॉर्डर यूज कर सकते हैं। ये देखिए रेड कलर, ब्लैक कलर, जिस कलर में आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे आप 3D इफेक्ट में, ग्लोइंग इफेक्ट में, शोइंग इफेक्ट में, सॉफ्ट एज इफेक्ट में, बिवल इफेक्ट में, तो बहुत सारे इफेक्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे 3D में बिवल एंड एम्बोज ऑप्शन इफेक्ट के अंदर इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पिक्चर शेप्स की, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे किसी भी शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्मार्ट आर्ट यहाँ पर शो अप हो जाएगा, और इसके बारे में अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहें तो ईजिली आप यहाँ पर डिस्क्राइब
कर सकते हैं। क्लिक करके आप इस टेक्स्ट के अंदर जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बारे में आप जो भी डिस्क्राइब करना चाहें वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक और टूल बार यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप यहाँ पर जा करके चेंज कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसके फॉन्ट के स्टाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन और आपके सामने शो अप हो जाएगा ऐड शेप्स का। जैसे आप ऐड शेप्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक और बॉक्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके अंदर भी अगर आप चाहें तो कोई पिक्चर यूज कर सकते हैं। अगर आप बुलेट्स का यूज करना चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट आप इस डेटा को यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बुलेट्स में हम क्लिक करके जो भी लिखना चाहें वो इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरीके से आप बुलेट्स वाइज डेटा को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने आएगा वो है प्रमोट का। जैसे आप प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बॉक्स है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रमोट हो रहा है। अगर आप इसे डिमोट करेंगे तो ये वापस से डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसे राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करना चाहें तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट था वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट एडजस्ट किया जा सकता है इस तरीके से। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने और भी बहुत सारी शेप्स ले रखी हैं, जैसे हम और भी एड शेप्स ले लेते हैं यहाँ पर। अगर मुझे किसी शेप को ऊपर की तरफ ले जाना है तो ऊपर की तरफ ले जा सकता हूँ, और डाउन साइड में ले जाना है तो मैं डाउन साइड में इसको मूव करा सकता हूँ। तो यहाँ पर मूव करने के ऑप्शन है, आप इसे मूव कर सकते हैं। और इसके बाद रिसेट ग्राफिक करेंगे तो ये आप वापस से रिसेट हो जाएगा। जो भी हमने कलर फॉर्मेटिंग स्टाइल जो भी चेंज किया होगा ये वापस से रिसेट हो जाएगा। और इसके बाद एक ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, एक और ऑप्शन आपके सामने शो अप हो रहा है कन्वर्ट टू शेप का। जैसे आप कन्वर्ट टू शेप पे से क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंट था आपका वो एक शेप बन जाएगी। आपका स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से एक न्यू इमेज ले लेते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद, यहाँ से पिक्चर्स में जाने के बाद, यहाँ से दिस डिवाइस के अंदर जाने के बाद, यहाँ से हम फिर से कोई इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाली इमेज ले ली। इस इमेज को लेने के बाद अब हमें क्या करना है, बाकी के ऑप्शंस का यूज करके आपको दिखाना है। इसके बाद मैंने आपको यहाँ तक के ऑप्शंस क्लियर कर दिए थे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन शो होगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। तो इस वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यानी इस पिक्चर के बारे में जो भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ये हमारी जो इमेज है वो बेसिकली क्या चीज है, तो इमेज हमारी मान लीजिए होम पेज है, तो हमने यहाँ पर होम पेज लिख दिया और इसके बाद इसको हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जब भी हम इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे होम पेज यहाँ पर शो होगा, यानी इस पिक्चर के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पर हमारी शो अप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन है, जिसमें ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन है। और ये ऑप्शन आप देखेंगे अभी आपके सामने हाइड है, यानी कि अभी ये वर्किंग में नहीं है। तो ये वर्किंग में तब होगा जब हमारे पास दो अलग अलग इमेजेस होंगी जिसके ऊपर हम इसे ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक का यूज करके देखेंगे। तो चलिए फिर से इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से इलस्ट्रेशन में जाते हैं, पिक्चर्स में जाते हैं, और यहाँ से आप दिस डिवाइस से कोई पिक्चर ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन और है ऑनलाइन पिक्चर्स का। आप यहाँ से भी कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर कर सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ ब्राउजिंग चलेगी, थोड़ा सा समय लेगा, और समय लेने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बिंग का जो ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा और उसमें आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस आपके सामने शो अप हो जाएंगी। अब इसमें से आपको जो भी पिक्चर चाहिए, जैसे फिश की चाहिए या ग्रेजुएशन की चाहिए, हाउस की चाहिए, आइसक्रीम्स की चाहिए, पार्टी की चाहिए, ओकेजन की चाहिए, मतलब जो भी पिक्चर स्कूल्स वगैरह की जो भी पिक्चर्स आपको चाहिए वो पिक्चर्स आप इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से स्कूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने स्कूल को सिलेक्ट किया तो स्कूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स की इमेजेस शो अप हो जाएंगी। तो जिस भी इमेज को आप लेना चाहें यहाँ से इजीली उसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से चाहे तो आप इसे फिल्टर भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग ले लेते हैं इस वाली इमेज को। इस वाली इमेज को लेने के बाद यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो इमेजेस थी वो थोड़ा सा समय लेगी और यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ऑनलाइन आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की आपके सामने इमेजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। और इसके बाद हम दोनों इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। ऊपर रखने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली इस इमेज पर डबल क्लिक करना है ताकि वो टूल बार आपका वापस से रिप्रेजेंट हो जाए। और अब आप देखेंगे आपके सामने वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो अप हो चुके हैं, यानी ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड का। अब यहाँ पर देखेंगे स्कूल की जो इमेज है वो हमारी ऊपर है और बाकी ये वाली जो इमेज है वो जस्ट इसके नीचे है। तो यहाँ पर जैसे हम इसे करेंगे सेंड टू बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड करते ही होगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली इमेज हमारी इसके पीछे चली गई है, और जैसे हम इसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये वापस से ऊपर इसके रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप को या किसी भी इमेज को एक दूसरे के आगे पीछे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। के बाद यहाँ पर आप देखेंगे और भी ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट यानी आप किसके फ्रंट पे चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा सेंड टू बैक यानी किसके बैक पे आप चाहते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक इमेज और लेनी होगी। तो हम वापस से इंसर्ट में जाते हैं, इलस्ट्रेशंस के अंदर जाते हैं, शेप्स में जाकर के यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बर्ड्स को सिलेक्ट किया,
बर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी इमेज ले लीजिए, जैसे बर्ड्स के हमारे पास जो भी इमेजेस हैं उनमें से हम किसी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे वो भी इमेज हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई, और उसके बाद हमने इस इमेज को भी इन दोनों इमेजेस के साथ रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे सेंड टू बैक, तो ये एक बार में इन दोनों इमेजेस के पीछे चली गई, और जैसे हम इसे करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, यानी ये टॉप पे एक बार में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। यानी एक बार में अगर आपके पास 10 लेयर्स हैं, यानी 10 इमेजेस हैं, और एक बार में आप चाहते हैं ये सबसे पीछे चली जाए, तो आप यूज करेंगे सेंड टू बैक, और अगर आप टॉप पे चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट। इन दोनों ऑप्शंस का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है सिलेक्शन पेन्स का, आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्शन पेन्स का। अब इसका क्या यूज होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने जितना भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ, चाहे वो इमेजेस है चाहे वो शेप हो, उसकी यहाँ पर आप देखेंगे आइस बनकर आ जाएगी। जिस भी आइस को आप हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस हमारी यहाँ पर हाइड हो चुकी है, और जैसे आप इसे शो कराएंगे तो यहाँ पर वो सारी इमेजेस यहाँ पर शो अप हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं भाई इनमें से किसी एक पिक्चर को आप हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है आइस का, इस आइस को जैसे आप क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के बाद वो सभी इमेजेस यहाँ से गायब हो जाएंगी जिसकी हमने आइज यहाँ पे क्लोज की है। यहाँ पर देखिए वो सभी इमेजेस यहाँ से गायब हो गई है। जैसे इसके आइज को हम ओपन करेंगे तो ये सभी इमेजेस यहाँ से ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वो है यहाँ पर अलाइनमेंट्स का। यहाँ पे आप चाहें तो किसी इमेज को या किसी पिक्चर्स को अलाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वाली इमेज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमने इन दोनों इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ आपको इस वाली इमेज पर क्लिक कर देना है। दोनों इमेजेस एक साथ सिलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अलाइनमेंट्स के सभी ऑप्शन यहाँ पर शो अप हो गए हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे अलाइन लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, टॉप है, मिडल है, बॉटम है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल है, स्नैप टू ग्रिड है, स्नैप टू शेप है, और व्यू गाइडलाइन है। तो इन सभी ऑप्शन का हम लोग यूज करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट है हमारे पास, तो लेफ्ट में जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये लेफ्ट में आ जाएगा। सेंटर करेंगे तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसके अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से जितना भी इसको आप अपने हिसाब से करना चाहें, एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद एक नया ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे स्नैप टू ग्रिड का। अभी स्नैप टू ग्रिड क्या काम करेगा, अब स्नैप टू ग्रिड तब काम करेगा जब हमारे ये जो सेल्स का साइज है, यानी इसकी जो ग्रिड है, आप देखेंगे जो हमारी लाइन्स है इनको ग्रिड्स कहा जाता है, इन ग्रिड्स का जो साइज होगा वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा। तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे मैंने इसके साइज को थोड़ा इंप्रूव कर दिया है। इंप्रूव करने के बाद मैंने इस पिक्चर को यहाँ से लिया और इस पिक्चर का साइज मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा। अभी अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए बहुत ही स्मूथली हमें बाहर जाने दे रहा है। और इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ इस ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर इसको यूज करूंगा स्नैप टू ग्रिड का, तो इसे जैसे ही मैं मूव कराऊंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये पिक्चर ग्रिड के हिसाब से एडजस्ट हो जा रही है। देखिए ये बाहर नहीं जाने दे रही है, देखिए ऑटोमेटिक चिपक रही है इन ग्रिड लाइंस के अकॉर्डिंग। तो यही ऑप्शन हमारा स्नैप टू ग्रिड है। अगर स्नैप टू ग्रिड यहाँ से आप हटा देते हैं तो ये वापस से आप इजिली स्मूथली इसको अंदर या बाहर ले जा सकते हैं। तो यही ऑप्शन है हमारा स्नैप टू ग्रिड का। इस ऑप्शन को जब आप प्रैक्टिकल तरीके से खुद करके देखेंगे तब आप इसका यूज समझ में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन की व्यू गाइडलाइंस की, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी ग्रिड्स थी वो यहाँ से गायब हो जाएंगी, और जैसे आप इस पर वापस से क्लिक करेंगे वो ग्रिड सारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो होता है ग्रुप्स का। अब ये ग्रुप ऑप्शन कब काम करेगा, ग्रुप ऑप्शन तब काम करेगा जब हम किसी दो इमेजेस को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप में जाकर के उसको हम यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से हुआ क्या, आप देखिए दोनों इमेजेस एक साथ ऐड हो चुकी हैं। अगर आप एक इमेज को मूव कराएंगे तो दूसरी इमेज इसके साथ ही मूव होगी। इसके बाद ग्रुप के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है अनग्रुप का। जैसे आप इसे अनग्रुप कर देंगे तो ये वापस से इमेजेस हमारी अनग्रुप हो चुकी हैं, और उसके बाद इसको मैं अपने हिसाब से अलाइनमेंट दे सकता हूँ, जहां भी रखना चाहूँ उसे रख सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं फिर से इसी ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पर आपका ऑप्शन हाईलाइट हो गया रीग्रुप का, यानी इसको एडजस्ट करने के बाद इसके अलाइनमेंट को मैंने एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर रीग्रुप पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर रीग्रुप पर क्लिक करने के बाद ये वापस से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये पिक्चर वापस से हमारी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे ग्रुप, अनग्रुप और रीग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने रोटेशंस के ऑप्शंस हैं। तो आप इसे इमेज को 90 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आप इसे इजिली एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे जैसे रखना चाहे वैसे आप इसे इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए था। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉप इमेज का आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे अनग्रुप करेंगे और यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रॉप इमेज का यूज करेंगे। जितनी इमेजेस आपको क्रॉप करनी है उतनी इमेज यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी इमेजेस वहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। इसके बाद इसके क्रॉप के साइज को यहाँ से आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। उसके हाइट एंड विड्थ को यहाँ से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं।
और क्रॉपिंग करके अगर आप इसे क्रॉप टू शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो आप जैसे ही क्रॉप टू शेप पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्रॉप होकर के एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस आपका होना चाहिए क्रॉपिंग का, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बार क्लिक करेंगे उतना एडजस्टमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका फिल का, तो जैसे ही आप फिल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो फुल फिल यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जितनी इमेज आप इसके अंदर दिखाना चाहते हैं उतनी इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाहर क्लिक करते ही वापस से गायब हो जाएगा। और फिर से इस पर डबल क्लिक करने के बाद हम उसी ऑप्शन पर फिर से चले जाते हैं। फिट करना है अगर आपको, तो जैसे आप इसे फिट करेंगे तो ये आपकी इमेज जो होगी वो इसी साइज में यहाँ पर फिट हो जाएगी। जो भी साइज आपने सेट किया होगा उस साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्रॉपिंग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसके भी साइज को आप सेम एज इट इज इसी तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये टूल आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर टूल्स के जितने भी ऑप्शंस हैं बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं, काम के ऑप्शंस हैं, तो ये सभी ऑप्शंस आपको आने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा पिक्चर्स के। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, दिस डिवाइस और ऑनलाइन डिवाइस। दिस डिवाइस से आप अपने सिस्टम से किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन पिक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन आप कोई भी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा शेप्स का। अब ये शेप्स के अंदर जैसे हम जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी शेप्स हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जा रही हैं। इनमें से कोई भी शेप्स यहाँ से आप ले करके इसको ईजिली इम्पोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सभी इमेजेस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे फिलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक शेप ले ली है, और शेप को लेने के बाद आप देखेंगे इसके भी काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब जैसे ही हम जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर टूल बार ओपन हो जाते हैं। अगर आपको नई शेप चाहिए तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट शेप्स का, तो यहाँ पर आप एक नई शेप्स और भी इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप देखेंगे आपके सामने बेहतरीन टाइप्स के कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं, उनको कलर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसे रोटेट करना चाहें तो इस तरीके से रोटेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिल का एक ऑप्शन है, फिल के अंदर कोई कलर अगर आपको चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है नो फिल का, अगर कोई कलर फिल नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप कलर्स को हटा सकते हैं। मोर फिल कलर्स के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स आ जाएंगे। इसको लेने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर आप पिक करेंगे वो कलर यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। इसके अंदर अगर आपको कोई पिक्चर यूज़ करनी है तो यहाँ से आप पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ गए, फ्रॉम फाइल यानी किसी फाइल पे पिक्चर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पिक्चर कोई ऑनलाइन पिक्चर आप सर्च करके इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फ्रॉम आइकन या कोई आइकन आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ब्राउज करके यहाँ पे अपने सिस्टम में से कोई फाइल ले लेता हूँ, कोई पिक्चर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने पिक्चर को ले करके यहाँ पर सिंपली इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे वो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट, यहाँ से जाकर के आप ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे टेक्सचर्स, तो यहाँ पे टेक्सचर्स का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप देखेंगे पैटर्न्स वगैरह तो पैटर्न्स भी बहुत सारे इसके अंदर हैं जिनका आप यूज करके इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इसके अंदर कलर्स फिल कर सकते हैं शेप्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके आउटलाइन की, तो आप देखेंगे आउटलाइन का यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का अगर आप चाहें तो यहाँ से इसके साइज हाइट और विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद आप चाहें तो इसके साइज डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, वो आप एक एक करके यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद शेप्स की अगर हम बात करें तो शेप्स के अंदर जो मैंने आपको बताया 3D ग्लोइंग बिवल वगैरह के इफेक्ट्स, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 3D में आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ पर फ्रेश पेज ले लेते हैं। यहाँ से हम फिर से इंसर्ट में चले जाते हैं और यहाँ से इलस्ट्रेशन के अंदर जाकर के हम किसी शेप को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद जैसे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा एडिट टेक्स्ट का। इस एडिट टेक्स्ट पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो इजिली यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए करके, और इसे किसी भी स्टाइल में चेंज करना है तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपके पास स्टाइल्स हैं, उस स्टाइल में आप इसे इजिली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें यहाँ से मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए आपका जो फॉन्ट था यहाँ से चेंज हो चुका है। इसके बाद आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहें तो आप इसके अंदर इजिली कलर फिल कर सकते हैं। पिक्चर्स, पैटर्न, ग्रेडियंट, टेक्सचर जो मैंने आपको बताया उन सबका आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर फिल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें आउटलाइंस की, तो यहाँ पर आउटलाइन का कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट हैं, उसका भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी शेडो वगैरह का आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए शेडो वगैरह हमारी यहाँ पर यूज़ हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी के सभी ऑप्शन मैंने आपको बताई दिए हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आइकन्स का। आइकन्स के लिए हमें करना क्या है, आइकन्स पर जाना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नेट से ऑटोमेटिकली आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स आपको रिप्रेजेंट कर देगा।
यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्ट होने के बाद आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यहाँ से इंपोर्ट हो चुके हैं। जिस भी शेप को आपको इंपोर्ट करना है उस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपकी वो जो शेप थी वहाँ से डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे हमारी जो शेप थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है चेंज ग्राफिक्स का। अगर आप इस इमेज की जगह कोई और इमेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सेम ऑप्शन वही आपके सामने शो अप हो गए। फ्रॉम फाइल ऑनलाइन या आइकन्स जो भी इंपोर्ट करना चाहें वो यहाँ से इजिली इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद हमारा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें से जो भी इमेज मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको इंसर्ट करूंगा तो उसकी जगह पर ये फाइल हमारी रिप्लेस हो जाएगी। तो हमें फिलहाल वही फाइल रखनी है, हम रिप्लेस अभी नहीं करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम वापस से डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टू शेप का, यानी आप चाहें तो इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे शेप में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सभी जो शेप्स थी वो डिफरेंट टाइप से अलग अलग हो चुकी हैं। जैसे आप शेप को अलग करना चाहें तो इस तरीके से आप इसे अलग कर सकते हैं। तो आप क्लिप आर्ट्स की पिक्चर को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप अनग्रुप कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस से हमारा जैसे था वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जो टूल्स थे आपको मैंने बता ही दिए हैं। यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके आउटलाइंस के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं वो सभी के सभी ऑप्शन आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर इलस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है 3D मॉड्यूल का। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है MS Excel का जो कि आपको 2007 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 3D मॉड्यूल्स का। आप यहाँ पर 3D के मॉड्यूल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें ऑप्शन है दिस डिवाइस, यानी अगर आपके पास आपके डिवाइस में कोई इस तरीके का कंटेंट है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं है तो आप स्टॉक 3D मॉड्यूल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जैसे आप स्टॉक 3D मॉड्यूल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम उसी तरीके से ब्राउजर ओपन होगा, नेट से कनेक्ट होगा और आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स यहाँ पर शो अप हो जाएंगे। तो किस तरीके का मॉड्यूल आप चाहते हैं, किस तरीके का मॉड्यूल आप देखना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टॉयज का मॉड्यूल देखना चाहता हूँ तो मैंने टॉयज पे क्लिक किया। टॉयज पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टॉयज यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस भी टॉयज का आप मॉड्यूल बनाना चाहते हैं उस टॉयज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टॉयज यहाँ पर शो अप हो चुके हैं, किस तरीके की टॉयज आप चाहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम इस वाले टॉयज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपका वो जो डेटा था यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो मॉड्यूल था वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे आपका जो मॉड्यूल था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसे आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 3D मॉड्यूल व्यूअर्स के ऑप्शन हैं। आपको कितने तरीके से इसको शो अप कराना है, कितने तरीके से आप इसे देख सकते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने इसने दिए हुए हैं। उस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके सेंटर पॉइंट पर जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा ये सर्कल टाइप का। इस वाले सर्कल को जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करके रखेंगे और इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आप देखेंगे इस 3D को आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जिस भी एंगल पर आप इसे रखना चाहें उस एंगल पर आप इसे इजीली रोटेशन कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उसे वैसे रोटेट कर सकते हैं। तो है ना कमाल का फंक्शन। आप देखिए आपके सामने 3D मॉड्यूल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। आप इसके हर एक पार्ट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग यूज से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 3D मॉड्यूल्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे और भी अगर कोई मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसे क्लिक करेंगे रिसेट मॉड्यूल पे, यानी आपका जो मॉड्यूल था वो वापस से रिसेट हो जाए जैसा पहले था, तो इस पर वापस से क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जो मॉड्यूल था वो वापस से रिसेट यहाँ पर हो चुका है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे पैन एंड जूम का ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जूम करना है या जूम आउट करना है आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो MS Excel ने हमें बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस दिए हुए हैं इस 2019 वर्जन के अंदर। तो इन सभी ऑप्शंस का हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इलस्ट्रेशंस के अंदर वो है हमारा स्मार्ट आर्ट्स का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी तरीके का कोई भी स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप इसे कितने तरीकों से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्रोसेस के थ्रू अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। सर्कल के थ्रू अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी भी टाइप से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमें सिलेक्ट समझ में आता है उस ऑप्शन को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर वो सर्कल शो हो गया, और यहाँ पर कुछ भी मॉड्यूल यहाँ पर आप इजिली इस पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है हमारा ये एमएस एक्सेल का, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, सभी ऑप्शंस को यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। इसके क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन का यहाँ पर यूज देखते हैं। इंसर्ट में वापस से जाते हैं, इलस्ट्रेशंस के अंदर वापस से जाते हैं, और अब लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा स्क्रीनशॉट का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो स्क्रीनशॉट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपने पहले से ही कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लिए हुए हैं जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम एक नया स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी वो जो विंडो थी वो यहाँ से ऑफ हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी, और उसके बाद जिस भी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें उस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, यानी उस चीज़ को उतने एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, उसको सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपका वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसके स्क्रीनशॉट को लेकर के एक एक टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन दिया है एमएस एक्सेल ने हमें। हालांकि ऑप्शन हमें पहले से ही विंडोज ने दिया हुआ है, जिसमें कि हमारा कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन का जब हम बटन प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही हमारा जो स्क्रीन होता है, जो भी हमारे सामने स्क्रीन होती है वो हमारी कैप्चर हो जाती है, और उसके बाद जैसे हम कंट्रोल वी यानी पेस्ट का यूज़ करते हैं वो हमारे सामने वापस से रिप्रेजेंट हो जाती है। तो मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करिए कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से क्लिक करने के बाद सिंपली कंट्रोल वी कर दीजिए पेस्ट, तो आप देखेंगे आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर पूरी फुल स्क्रीन का यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा इलस्ट्रेशन का टॉपिक। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।